हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस। इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस जो है ये टॉपिक FI BCOM एज वेल एज FI BAF के लिए इम्पोर्टेंट है, और दोनों के लिए ही ये टॉपिक, दोनों ही क्लास के लिए टॉपिक है। जब हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस की, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि बिज़नेस होता क्या है ना। तो बिज़नेस रिलेट्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो बिज़नेस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी एक इकोनॉमी में। ऑलराइट, और इसके बेनिफिट्स जो है वो अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में भी इनफैक्ट मिलते हैं, चाहे वो कंज्यूमर्स के लिए हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए क्यों ना हो, या फिर खुद सोसाइटी के लिए ही क्यों ना हो। ऑलराइट, तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस। इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस में सबसे पहला जो है वो है सिग्निफिकेंस टू बिज़नेस फर्म। क्वेश्चन या तो सिग्निफिकेंस ऑफ बिज़नेस पूछ सकता है या फिर इम्पोर्टेंस टू बिज़नेस पूछ सकता है। इसमें डिवीज़न है 3, दैट इज़ सिग्निफिकेंस टू बिज़नेस फर्म, सिग्निफिकेंस टू कस्टमर्स एंड सिग्निफिकेंस टू सोसाइटी। एक एक करके हम टॉपिक रीड पढ़ेंगे। सबसे पहले तो है सिग्निफिकेंस टू बिज़नेस फर्म। सी, एज आई सेड, बिजनेस प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल टू बिज़नेस फर्म्स, राइट? द मैन्युफैक्चरर्स, या फिर मैं कह सकती हूँ द मार्केटर्स, ट्रेडर्स एंड इवन सर्विस प्रोवाइडर डिराइव्स बेनिफिट फ्रॉम द बिज़नेस। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सी, अगर तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छे से चल रही है तो फॉर श्योर फर्म जो है अपना प्रॉफिट अचीव कर सकता है बाय प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। अगर क्वालिटी वाइज अच्छा सामान मैंने कस्टमर्स को बेचा तो फॉर श्योर कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, राइट? अगर मेरे कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाई हो गए हैं तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव हो सकते हैं? इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन मार्केट शेयर एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट। ओके, तो सिग्निफिकेंस टू बिजनेस फर्म में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा कि अगर गुड क्वालिटी हमने गुड्स एंड सर्विसेज दिया तो दैट विल इन टर्न सेटिस्फाई द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, और इससे क्या होगा? इंक्रीज इन सेल्स होगा, इंक्रीज इन मार्केट शेयर होगा एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट इज कॉरपोरेट इमेज। व्हाट इज कॉरपोरेट इमेज? सी, एवरी बिजनेस फर्म मेक्स एफर्ट्स टू डेवलप अ गुड कॉरपोरेट इमेज। ठीक है, अभी हम बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, है ना? तो इससे क्या होगा, मैं कहीं ना कहीं कॉरपोरेट इमेज जो है वो शेयर होल्डर के माइंड में, जैसे कि शेयर होल्डर हो गए, फिर कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, डीलर्स हो गए, है ना, सप्लायर्स हो गए, तो ये सब के दिमाग में मेरे जो कंपनी की इमेज है वो अच्छे से रह जाएगी। ओके, तो दिस इज़ कॉरपोरेट इमेज। सो एवरी बिजनेस फर्म मेक्स एफर्ट्स टू डेवलप अ गुड कॉरपोरेट इमेज। एंड गुड कॉरपोरेट इमेज कैसी होगी? जब मैंने कुछ अच्छा किया है मेरी सोसाइटी के लिए प्लस मेरे स्टेक होल्डर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सी, साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस एनेबल्स अ फर्म टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर। जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मेरे कस्टमर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो सेटिस्फाई हो जाएंगे विद द प्रोडक्ट दैट आई एम प्रोड्यूसिंग, राइट? तो ये क्या है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सी, जितना मैं इनोवेटिव लेकर आती रहूँगी मेरे प्रोडक्ट्स में, मेरे सर्विसेज में, ठीक है, तो उतना मैं क्या हासिल कर पाऊँगी? आई कैन फेस द कॉम्पिटिटर वेरी इजीली इन द मार्केट, है ना? तो यहाँ पर अगर तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखना है, ठीक है, तो इससे मुझे क्या करना पड़ेगा? इनोवेटिवनेस लानी पड़ेगी मेरे बिजनेस में। आई शुड कम अप विद सम इनोवेटिव आइडियाज़,
मुझे बहुत सारा R&D करना पड़ेगा, है ना, तभी तो जाके मैं मार्केट में जो है मैं जगह बना पाऊँगी, राइट। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रैटेजीज लेकर आता है इन एडवांस, हमें वो स्ट्रैटेजी लेकर आनी है मार्केट में ताकि हम अपने कस्टमर को ग्रैब कर सकें। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। सी, एफिशिएंसी इज द रिलेशन बिटवीन रिटर्न्स टू कॉस्ट, ठीक है, कि जितना अच्छे तरीके से, जितनी स्मूथ तरीके से हम अपना बिजनेस चलाएंगे, उतना ही जो है हमारा कॉस्ट क्या होगा, कम से कम होगा, है ना। कॉस्ट अगर कम से कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है। अगर मुझे प्रॉफिट मिल गया तो मेरा जो बिजनेस है वो मैं आराम से एक्सपांड भी कर सकती हूँ, है ना। तो सिग्निफिकेंस टू बिजनेस फर्म में सबसे पहला है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, देन कॉरपोरेट इमेज। अगर मैंने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया तो इमेज मार्केट में मेरा रहेगा। इमेज मार्केट में कब रहेगा, जब मेरे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। कस्टमर सेटिस्फाई कब होंगे, जब मैं अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे चल रही हूँ और जिसके वजह से मेरा कॉस्ट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अगर मैं कम करती हूँ तो जाके एफिशिएंसी बिजनेस में अच्छी खासी रहेगी। डन। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस टू कस्टमर, इम्पॉर्टेंस टू कस्टमर, है ना। सी, जैसे मैंने कहा बिजनेस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स द कस्टमर्स, टूवर्ड्स द बिजनेस फर्म ऑल्सो, ओके। तो आई कैन से द सक्सेस ऑफ बिजनेस also depends on the customer, also क्या मतलब, like full on depends upon the customer, right? तो सबसे पहला point is availability of quality goods and services. Business firm जो है, ठीक है, available करता है goods and services जो मेरे customer को चाहिए रहते हैं। तो firm क्या करता है, पूरा effort डालता है कि वो कुछ ना कुछ नया लेकर ही आए, अपने quality में changes लेकर आए ताकि जो मेरे customer है वो क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके, है ना। तो अवेलेबल ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज गुड्स एट गुड प्राइस। अब जब हम बात कर रहे हैं गुड्स एट गुड प्राइस की, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जब मैं बात कर रही हूँ गुड्स एट गुड प्राइजेस की, ठीक है, तो फर्म विल प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट राइट प्राइजेस, ओके। यहाँ पर क्या हमें देखना है कि मतलब हम जो भी सामान दे रहे हैं कस्टमर्स को, वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट द कस्टमर्स बाय चार्जिंग हायर प्राइस। जैसे मैंने पहले भी कहा, दी कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट, दे नो वॉट इज़ द प्राइस, ठीक है, दे वेरी वेल नो वॉट इज़ द प्राइस गोइंग ऑन इन द मार्केट, तो वी कांट एक्सप्लॉइट देम, ओके। तो वी शुड सी टू इट कि जो भी हम गुड्स दे रहे हैं वो रीजनेबल प्राइस में हो रही है। नेक्स्ट इज बेटर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। सी, जितना अच्छा फैसिलिटीज हम देंगे, मतलब जितना अच्छा ऑफर हम देंगे, ठीक है, जैसे कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर वारंटी है, आफ्टर सेल सर्विसेज है, डिस्काउंट रेट्स है, मतलब जितना खासा मैं ऑफर दे रही हूँ, जितनी अच्छी खासी मैं सर्विस दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे कस्टमर क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना। तो कस्टमर बेनिफिट मिल जाता है, तो ये हमें ध्यान से मेरे कस्टमर्स को देना है। अभी सी, हम लोगों ने अच्छा खासा क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को दिया एट अ गुड प्राइस एंड वी आर प्रोवाइडिंग देम विद द बेटर फैसिलिटीज एज वेल एज सर्विस। सो अल्टीमेटली व्हाट विल बी द रिजल्ट, द रिजल्ट विल बी दैट माय कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, राइट। इफ माय कस्टमर आर सेटिस्फाइड, दे आर स्पेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट दैट वी आर सेलिंग, तो मतलब ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कस्टमर कैन एन्जॉय अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्म ने पूरा कोशिश किया है कि वो कुछ अच्छा नया प्रोवाइड करे लोगों को, ताकि जो लोग हैं वो अच्छा खासा कंज्यूम कर सके। कंजम्पशन अगर अच्छा खासा कर रहे हैं तो इन टर्न क्या मिलेगा, इन टर्न उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, है ना। तो ये था सिग्निफिकेंस टू कस्टमर, रिलेट पता है कैसे किया है ना, अवेबिलिटी ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गुड प्राइस विथ प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। सो अल्टीमेटली माय कस्टमर विल बी सेटिस्फाई, एंड इफ दे आर सेटिस्फाइंग बाय कंजम्पशन ऑफ गुड क्वालिटी, सो वॉट विल बी द रिजल्ट, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी हाई, ओके। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस टू सोसाइटी। जब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ से बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है फैसिलिटेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ इन द मार्केट, है ना। उन नेशनल इनकम जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है।
अगर नेशनल इनकम बढ़ जाती है तो क्या होता है, वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बढ़ जाता है. फॉर एग्जांपल वी हैव एग्रीकल्चर, वी हैव इंडस्ट्री एंड देन वी हैव सर्विस सेक्टर. ओके, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ते जा रहा है. अब चलो बिजनेस अगर है, ठीक है, तो बिजनेस क्या करेगा, डायरेक्टली इन इनडायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो देता है ना. डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कैसा देगा, यहाँ पर डायरेक्ट लेबर का डिमांड होगा. इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वेरियस सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, है ना, जो आजकल सर्विस सेक्टर चल रहा है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. तो अगर बिजनेस सेटअप किया है तो कहीं ना कहीं वी आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. नेक्स्ट इज रीजनल डेवलपमेंट. ओके, रीजनल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस फर्म हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट रीजनल डेवलपमेंट. बैकवर्ड एरियाज जो हो गया है, ठीक है, जहाँ पे इंसेंटिव्स बराबर से लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ें नहीं मिलती है, तो गवर्नमेंट अपने इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा टू सेटअप इंडस्ट्रीज फॉर द बैकवर्ड एरियाज, है ना. तो यहाँ पर इतना सब कुछ अगर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, रीजनल डेवलपमेंट होगा ना, ठीक है. तो बिजनेस की वजह से क्या होता है, रीजनल डेवलपमेंट होता है ड्यू टू द इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. अगर अभी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, नेशनल इनकम हाई है जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ओके, लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों के पास में अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, ठीक है. गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, बिजनेस गिव्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया है तो कहीं ना कहीं यही पैसे कहाँ पर जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे होंगे ना, ठीक है. तो बिजनेस फर्म्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, पावर जनरेशन, ओके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो जाता है. तो सिग्निफिकेंस टू सोसाइटी कैसे हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, रीजनल डेवलपमेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू हो रहा है गवर्नमेंट को, ओके, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपने आप बढ़ जाएगा, ओके. तो ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा बैफ एंड बीकॉम वालों को. इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस में हमने देखा सिग्निफिकेंस टू बिजनेस फर्म हमने कैसा रिलेट किया, फिर सिग्निफिकेंस टू कस्टमर इसको हमने कैसा रिलेट किया, एंड द लास्ट सिग्निफिकेंस टू सोसाइटी. ओके, होप ये जो टॉपिक है वो तुम लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए होंगे तुम लोग. इन केस अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ डू कॉमेंट, बिकॉज दैट मीन्स अ लॉट. एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.